भारतीय जनता पार्टी के शहरी विधायक प्रमोद कुमार विज के नेतृत्व में शहरी विधानसभा में युवा मोर्चा द्वारा तिरंगा यात्रा का बीते सोमवार को आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में शहर के आम नागरिकों एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यात्रा में स्थानीय विद्यालयों के बच्चों ने भी सहभागिता की। विधायक बच्चों के साथ देशभक्ति के गानों में जमकर नाचे। कार्यक्रम में भाजपा पानीपत के जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट एवं महामंत्री रोशनलाल महला, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर हेमा रमन, महिला मोर्चा महामंत्री सोनिया गाबा, युवा मोर्चा अध्यक्ष बलविंदर आर्य, महामंत्री योगेश शर्मा समेत पार्टी के कई पदाधिकारियों ने तिरंगा यात्रा में सहभागी होकर यात्रा को सफल बनाया एवं सम्मिलित लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। विधायक प्रमोद विज ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें देश की आज़ादी के लिए अपना सर्व कुछ न्योछावर करने वाले वीर जवानों की शहादत को भूलना नहीं चाहिए। युवाओं को देश की तरक्की एवं खुशहाली के लिए शहीदों के बताए हुए मार्ग पर चलते रहना होगा। हमारे देश का युवा आज राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतपोत एवं शिक्षा, खेल एवं विज्ञान के क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहा है। ये रहा यात्रा का रूट। तिरंगा यात्रा सुबह 10 बजे शिवाजी स्टेडियम से प्रारंभ की गई। यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए आर्य समाज मंदिर एवं लाल टंकी मार्केट से रामलाल चौक के पास स्थित शहीद भगत सिंह राजगुरु एवं सुखदेव की मूर्ति के पास समाप्त हुई। यात्रा के उपरांत विधायक विज ने एवं तिरंगा यात्रा के संयोजक राहुल विज और चांद भाटिया ने वीर शहीदों के समक्ष नमन कर यात्रा में शामिल हुए लोगों का आभार व्यक्त किया। एडमिनिस्ट्रेशन का माननीय हमारे जो DC साहब है उनके भैया जी और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की टोली का, SDM साहब का, गौरव जी का, सभी का, और DO साहब है हमारे और बुरा जी, इन सबका, युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी पानीपत जिले के, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हजारों की संख्या में आप देखिए आज ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। हम नमन करते हैं अपने शहीदों को, स्वतंत्र सेनानियों को उनके याद करते हैं जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है, उनको याद करने की आज ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। नहीं, हमें राजनीति नहीं है, इसमें सब समाज के लोग हैं। ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये नागरिकों का कार्यक्रम है, शहीदों का नमन करने का कार्यक्रम। पूरा पानीपत तिरंगा में है, पूरा पानीपत नहीं, पूरा हरियाणा, पूरा देश तिरंगा में है। और ये सही मायने में यदि इस चीज़ के कोई किसी को क्रेडिट देना चाहिए तो देश की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो आम जनमानस के हाथ में तिरंगा दिया है, इसके लिए उनका हृदय की गहराइयों से आभार है। क्योंकि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं थी, उससे पहले आप देखिए केवल मात्र 15 अगस्त 26 जनवरी पर ही तिरंगा फहराने की अनुमति थी। आज पूरे देश के अंदर आज़ादी के पावन पर्व से पहले जो वातावरण बन जाता है पूरे देश के अंदर, हर घर पर तिरंगा होता है, हर व्यक्ति के हाथ में तिरंगा होता है, हर की गाड़ी में तिरंगा होता है, हर आदमी अपना तिरंगे के सम्मान में, हर आदमी मैदान में आ जाता है। तो इसके लिए आभार है, धन्यवाद है केंद्र सरकार का है, जिन्होंने एक ऐसा वातावरण बनाया। देश के प्रति जागरूकता भी होती है, बिल्कुल 100% जागरूकता भी होती है।